एवरीवन, मेरा नाम रुचि है और मैं स्किन ट्रेनर हूँ बायोमी पे। आज हम बात करेंगे नेचर एसेंस के गोल्ड फेशियल किट के बारे में, जो आपका ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए है और ये आपका पैराबेन फ्री है। ये आपकी स्किन में ग्लोइंग का काम करता है, आपकी स्किन में ब्राइटन का काम करता है और आपकी स्किन को लाइटन करता है। ये आप ब्राइडल को भी दे सकते हैं क्योंकि ये गोल्ड फेशियल किट है। इसके अंदर गोल्ड के पार्टिकल्स हैं जिससे ब्राइडल की स्किन में ग्लोइंग का काम करेगा। साथ ही साथ ये आप उन लोगों पे भी दे सकते हैं जिनके घर में फेस्टिवल है या वेडिंग है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ गोल्ड फेशियल किट कैसे कराया जाता है। सबसे पहले क्लाइंट के हेयर को अच्छे से टक करें, फिर उसके बाद पूरे फेस को क्लीन करें। अगर क्लाइंट मेकअप लगा के आया है तो आप उनके लिप्स और आईब्रो से उनके आईलाइनर को क्लीन करें। क्लीनिंग अंदर की तरफ करें, बाहर की तरफ नहीं, इससे फैल सकता है। फिर उसके बाद क्लिनजिंग करें पूरे फेस पे, जो आपके इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा, डस्ट एंड डर्ट को रिमूव करेगा। अच्छे से क्लीन करने के बाद स्क्रब लगाएं। स्क्रब आपके स्किन में डेड स्किन को रिमूव करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स को रिमूव करता है। स्क्रब करते हुए इन बातों का ध्यान रखें, लिप्स और आईज पे स्क्रब बिल्कुल ना करें क्योंकि उसके अंदर ग्रेन्स होता है और वो लिप्स और आईज पे इचिंग कर सकती है या रेडनेस ला सकती है। उसके बाद पूरे फेस पे मसाज करें। मसाज क्या काम करता है? वो आपके स्किन में हाइड्रेशन का काम करता है, मॉइस्चर देता है और नरिशमेंट देता है। मसाज के डायरेक्शन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में करें, डाउनवर्ड में नहीं। अगर आप डाउनवर्ड में करेंगे तो स्किन लटकने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, एजिंग साइन शो होने स्टार्ट हो सकते हैं और इलास्टिसिटी कम हो सकती है। इसलिए हमेशा सर्कुलेशन मोशन और अपर डायरेक्शन में ही क्लाइंट की मसाज करें। मसाज करने के बाद क्लाइंट के फेस पे जेल लगाएं। जेल लगा के थोड़ी देर तक के लिए हल्की सी मसाज दें लाइट हैंड से और फिर उसको छोड़ दें। उसके बाद क्लाइंट के फेस पे पैक लगाएं। पैक हमेशा चिन से स्टार्ट करें, अपर डायरेक्शन में लगाएं। ये क्या काम करता है? ये क्लाइंट के स्किन में हाइड्रेशन का काम करेगा, स्किन टाइट का काम करेगा, रिफ्रेश करेगा और कूलिंग इफेक्ट देगा। फिर आखिरी में सनस्क्रीन लगा दें।